नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाम सिंह यादव के साथ सोमवार रात को कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विधायक खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़ कर मुक्के मारे। हालांकि इस घटना पर आपका कोई बड़ा बयान नहीं आया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विधायक गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे शाम बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उस दौरान ये घटना हुई। बैठक के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। आपके आक्रोशित कार्यकर्ता विधायक के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी करते हैं। जैसे ही यादव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए उन्हें मुक्के मारते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए विधायक को मौके से भागना पड़ता है। विवाद की वजह का पता नहीं चल पाया। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया कि टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने यादव की पिटाई की। पार्टी ने कहा ये कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी, जिसका यादव ने कड़ा विरोध किया था। विधायक ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए ट्वीट किया, बीजेपी बौखला गई है, वह टिकट बेचने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। मैं अभी छावला थाने में हूँ। मैंने बीजेपी के नगर सेवक और इस वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार को हमलावरों को बचाने के लिए थाने में मौजूद देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मीडिया यहाँ मौजूद है, वो बीजेपी से जरूर पूछे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ईमानदार राजनीति के नाटक में लिप्त पार्टी के अनोखे सीन। आपका भ्रष्टाचार ऐसा है कि उनके सदस्य भी अपने विधायकों को नहीं छोड़ रहे हैं। आगामी MCD चुनाव में भी इसी तरह के परिणाम उनका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। पहले ये चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन तीनों निगमों के एकीकरण के फैसले के चलते चुनाव में देरी हुई। MCD चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम